हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश विल आलोक सर में। तथा आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैव वर्ब इन डिटेल। चलिए देखते हैं हैव वर्ब। ठीक है, हैव वर्ब होता क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन आते हैं। चलिए, हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये, सेकेंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये, फोर्थ फॉर्म ये और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैवी और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, हैज। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल, सेकेंड ये फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर। याद रखिएगा, दोनों प्रेजेंट को प्रेजेंट करते हैं, ये केवल प्लूरल होता है, ये केवल सिंगुलर होता है, ये हमेशा पास्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा वी टू हमेशा पास्ट होता है। ठीक है, जब भी वी फोर आ जाए तो उसमें क्या लगा होगा, आई एन जी। ये डिटेल है, ये सारे होते हैं मेरे हैव वर्ब। हैव वर्ब जहाँ भी आ जाए ना, जब भी हैव वर्ब की बात की जाएगी तो वहाँ पे आएगा या तो वी थ्री आएगा या नाउन आएगा। ठीक है, जब भी हैव वर्ब की बात की जाएगी तो क्या आएगा आपका, या तो वी थ्री आएगा या नाउन आएगा, इसके अलावा कोई भी तीसरा चौथा चीज नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे लिखते हैं आई हैव गोइंग, ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है। हैव वर्ब के बाद क्या वी फोर आता है, नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा ये बताइए, आई हैव गो, अब ये सही है कि गलत, ये वर्ब का मेरा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो सही की गलत, तो बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई हैव गॉन, ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अब ये सही है कि गलत, तो देखिएगा हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई हैड ए पेन, अब ये मेरा हैव वर्ब है, ठीक है, अब हैव है, इसके बाद या तो वी थ्री आएगा या क्या आएगा, नाउन आएगा, तो नाउन आया है तो क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अब देखते हैं दे हैड पुअर, क्या लिखे, दे हैड पुअर, अब ये हैड है, या तो वी थ्री आएगा या फिर क्या आएगा, नाउन आएगा, आया क्या है, एडजेक्टिव, आया क्या है, एडजेक्टिव, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत। बात समझ में आया ये, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देखते हैं आई हैव हैड ए पेन, आई हैड हैड ए पेन, आई हैड हैव ए पेन, He has had a pain. ठीक है, she has a pain. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। ठीक है, सबसे पहले देते हैं have के बाद या तो भी थ्री या noun, क्या भी थ्री आया है, ठीक है आया है, अब ये भी थ्री यहाँ पे क्या, भी थ्री या नाउन, इसके बाद नाउन आया, नाउन आया तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे हैव वर्ब है, हैव और हैड, इसके बाद भी थ्री आया है तो आया है, भी थ्री या नाउन, ठीक, इसके बाद भी थ्री आया, भी थ्री के बाद देखते हैं यहाँ पे भी थ्री या नाउन, हैड के बाद भी थ्री या नाउन, क्या नाउन आया तो भी सही है। अब आई हैड हैव ए पेन, अब यहाँ पे हैड है, ठीक है, हैड के बाद भी थ्री आया तो बोलेंगे नहीं आया, क्यों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही हैज हैड, हैज है या तो भी थ्री या नाउन, क्या ये भी थ्री है, बिल्कुल है, इसके बाद भी थ्री या नाउन, कि इसके बाद नाउन आया, आया, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, इसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, अब सी हैड, हैड के बाद भी थ्री या नाउन, यहाँ पे क्या आ चुका है, हैज आ चुका है, आज आ चुका मतलब यह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि जब भी
जब भी हैव वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, हैव, कौन कौन होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, तो हमेशा क्या करेंगे, या तो वी थ्री यूज करेंगे या फिर नाउन यूज करेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिए। हैड कमिंग, अब बताइए सही कि गलत, ये तो हैड के बाद भी थ्री या नाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्या है भी फोर। अब देखते हैं, दे दे हैड, सॉरी दे हैव ए कार, अब इसमें समझना है, ये मेरा वर्ब है, वर्ब कैसा है तो मेन वर्ब, ये मेरा क्या है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पे आर्टिकल लगा है, तो पहले क्लास में हम बताए कि आर्टिकल आ गया तो क्या आएगा, नाउन आएगा, तो नाउन यहाँ पे है तो नाउन है, नाउन से पहले आप क्या डाल सकते हो, एडजेक्टिव, तो दे हैव ए ग्रीन कार, दे हैव ए ग्रीन कार, अब ये मेरा क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, दे हैव ए वेरी ग्रीन कार, ठीक है, अब दे हैव ए वेरी ग्रीन कार, ये मेरा क्या हो गया एडवर्ब, ये मेरा क्या हो गया एडजेक्टिव, ये मेरा क्या हो गया नाउन। अब देखो यहाँ पे, अब एडजेक्टिव एक लगा दिए, बहुत सारा भी लगा सकते हैं, एडवर्ब एक लगाए बहुत सारा लगा सकते हैं, लेकिन यह जो आर्टिकल होगा किसके अनुसार होगा, नाउन के ही अनुसार होगा, दे हैव ए वेरी ग्रीन, वेरी ग्रीन इंडियन कार, यहाँ पे हो गया, ये आपका ये क्या हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये भी हो गया एडजेक्टिव, और यहाँ हो गया एडवर्ब, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा हैव वर्ब क्या है, उसके बाद क्या कंडीशन आते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से दो चार बार देखेंगे, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज़ का इशू आ रहा है, तो माइक ये हेडफोन लगा के आप क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। आई होप कि सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा हैव वर्ब का, ठीक है। तो मैंने बी वर्ब ख़त्म, बी वर्ब कर लिया, ठीक है, हैव वर्ब कर लिया, ठीक है, अब करेंगे मॉडल के बारे में, के बारे में मॉडल के बारे में, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।